ऑब्लिक डिटरमिनर्स, ये वाला एक पेज है, हिंदी में सारे रोल्स लिखा रखे हैं, हिंदी में सारे है ना। पहले रेफरेंस में हमने अ लगाया, अ या एन, और सेकंड रेफरेंस में हमने
मुद्दा लगाया था। पर जब पदार्थों की बात आती है तो फर्स्ट रेफरेंस में हम आर्टिकल नहीं लगाते अनलेस हमने उसे काउंटेबल बना दिया हो किसी तरीके से, पर हाँ सेकंड रेफरेंस में तो फिर भी गई आएगा, चाहे पदार्थ हो चाहे काउंटेबल या अनकाउंटेबल चीजें। तो उस हिसाब से अपन कहेंगे वीट इज ग्रोन इन इंडिया, भारत में गेहूं उगाया जाता है, पदार्थ है नो आर्टिकल, वीट इज ग्रोन इन उसी प्रकार मिल्क अनकाउंटेबल है, इसलिए हम कहेंगे अपन कहना चाह रहे हैं कि दूध अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है, मिल्क इज अ होलसम फूड। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, पदार्थ है इसलिए अपन ने मिल्क लगाया विदाउट आर्टिकल, पर हमने उस दिन एक रूल देखा था कि किसी भी संख्या के पहले कोई विशेषण आ जाए, नाउन है, नाउन से पहले आपने एक एडजेक्टिव लगाया, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें आर्टिकल लगा रहे हैं, है ना। अब इसमें अपन हाउ विल वी से मिल्क इज a wholesome food, the cow gives us blank milk, cow gives us some milk, little milk, कुछ नहीं आएगा, पदार्थ है, गाय हमें दूध देती है, है ना, the cow gives us milk, कुछ भी आर्टिकल नहीं आएगा। सोने से पहले रात को मैं एक ग्लास दूध पीता हूं, आई हैव मिल्क एट नाइट, अगर मैं कुछ भी नहीं कह रही ग्लास पास तो आई हैव मिल्क एट नाइट, पर नहीं मैं सोने से पहले एक ग्लास दूध पीती हूं, आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एट नाइट। ये पदार्थ वाला रूल क्लियर है, क्योंकि कल हम क्लास में अभी हम जितने रूल्स कर रहे हैं उसका इंडिविजुअल हम प्रैक्टिस सेंटेंस बोर्ड में करेंगे, ये रूल्स पर थोड़ा सा देखते हैं जितना हम आज कवर कर रहे हैं। सेकंड, आर्टिकल्स का बेसिक रूल ये है, और ये रूल आप सब जानते हो, कि वावल या वावल साउंड से पहले एंड का यूज होता है, चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला शब्द हो, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में ह साइलेंट हो गया और वावल हो गया, इसे एन ऑनेस्ट मैन वावल साउंड से शुरू होता हो, जैसे अपन कहेंगे अपने संग एक छाता लेके जाना, अपने संग छाता लेके जाना, अपने संग छाता लेकर जाना, तो छाता वस्तु है ना कि पदार्थ, है ना, टेक एन अम्ब्रेला विद यू, अब आपने इसमें नंबर लगाया, तुम अपने संग एक छाता लेकर जाओ, तुम छाता लेकर जाओ, अपन हिंदी में जो कहते हैं ना उसको अपन इंग्लिश में एन लगाएंगे, वो पदार्थ नहीं है, टेक एन अम्ब्रेला विद यू इन केस इट रेन्स, क्या पता बारिश हो जाए, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, अम्ब्रेला अम्ब्रेला, टेक एन umbrella with you, a तो आपका वावल साउंड है इसलिए आपने एन लगाया, he is an honest man, consonant या consonant sound से शुरू होने पर शब्द से पहले अ लगेगा, he is a European, चाहे ई आपका वावल ही है
ई आपका वावल है परंतु उच्चारण क्या है, एग की तरह नहीं है, एग य है, य यूरोपीय, तो य आपका कॉन्सोनेंट साउंड है य, इसलिए ही इज अ यूरोपियन। आई वॉन्ट अ बुक, ये तो बिल्कुल क्लियर है, बुक आपका कॉन्सोनेंट ही है। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, य यूजफुल मेटल, ही इज अ यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट। ये दो तीन रूल्स याद रख लो, यूरोपियन यूजफुल यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये काम आएंगे। नेक्स्ट है हमारा ये रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 और 2, अब कल जो हमारी क्लास होगी इसमें आज जितने रूल्स कंप्लीट होंगे उसके अकॉर्डिंग जो एग्जांपल्स होंगे वो बोर्ड पे अपन कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जिक्र पहली बार किया जाए तो हम उस व्यक्ति या वस्तु से पहले अ या एट का यूज करेंगे। आई सॉ अ मैन इन अ कार, या है ना उस तरीके से, परंतु उसी व्यक्ति या वस्तु का दोबारा जिक्र करने पर, सेकेंड रेफरेंस होने पर उससे पहले द का यूज करेंगे। काउंटेबल नाउंस, आई सॉ अ मैन इन अ कार, द मैन वॉज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट एंड द कार वॉज रेड। यदि पदार्थों की भी बात हो तो फर्स्ट रेफरेंस में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, पर सेकंड रेफरेंस में तो फिर भी द आएगा, तो भी सेकंड रेफरेंस में द का यूज होगा, क्योंकि पदार्थ आपके अनकाउंटेबल नाउंस की गिनती में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउंस की गिनती में पदार्थ आते हैं। आई हैड ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, पदार्थ, द ब्रेड वॉज ड्राई एंड द मिल्क वॉज कोल्ड, और दूध ठंडा था। अब कई बार हम किसी व्यक्ति विशेष की तुलना किसी अन्य महान व्यक्ति से करते हैं, जो कि किसी खास गुण के लिए प्रसिद्ध हो, जैसे मदर टेरेसा सेवा भाव के लिए प्रसिद्ध थी, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी होने के लिए प्रसिद्ध थे, कर्ण दानवीर होने के लिए प्रसिद्ध थे। तो ऐसा कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सेवा भावी, बहुत ज्यादा सत्यवादी, बहुत ज्यादा दानवीर, बहुत ज्यादा और कोई क्वालिटी हो, एग्जाम्पल हरिश्चंद्र की ईमानदारी, मदर टेरेसा का सेवा भाव इत्यादि, ऐसे में उस महान व्यक्ति के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड, जो पोजीशन कालिदास की भारत में थी, शेक्सपियर की वही पोजीशन थी इंग्लैंड में, इसलिए शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। हमारे मोहल्ले में ये सबसे अधिक सेवा भावी महिला है, शी इज द मदर टेरेसा ऑफ आवर कॉलोनी। ये लड़का कभी झूठ बोलता है कि तो ये हमारी क्लास का हरिश्चंद्र है, ही इज द हरिश्चंद्र
of our class. Clear? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल पर ध्यान दो. अगर ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आता, यदि ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आता तो हम द भी लगाते, अ लगाएंगे फिर हम. ही इज अ हरिश्चंद्र. अरे ये तो हरिश्चंद्र है, अ हरिश्चंद्र. ऑफ लगाते ही हमने उस को द कर दिया. She is a Mother Teresa. अगर वहां ऑफ आता तो हम इसको द लगा देते. ये रूल याद रखना. अब अगला रूल रिक्वेस्ट या निर्देश देने वाले वाक्यों में हम किसी पर्टिकुलर वस्तु की बात कर रहे हो तो वहां हम द का यूज करेंगे. रिक्वेस्ट या निर्देश देने वाले वाक्यों में हम किसी पर्टिकुलर वस्तु की बात कर रहे हो तो वहां हम द का यूज करेंगे. एग्जाम्पल, John, please pass the salt. Mary, please bring the jam. Where is the butter? अब इसको अगर तुम देखो तो नमक भी पदार्थ है, salt भी पदार्थ है, jam भी पदार्थ है, है ना, बटर भी पदार्थ है. पर हमने इस तरह के सेंटेंस में द लगाया है और अदरवाइज पदार्थ वाले सेंटेंस में तो हमने ब्लैंक छोड़ा था. क्या कारण है? क्या कारण है? देखो, मैंने आज ब्रेड और दूध लिया ब्रेकफास्ट में. आई हैड ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट. पर मैं घर में मेरी बेटी से कहती हूँ बटर लेके आ, बटर लेके आ. मैंने अपनी डॉटर से कहा बटर लेके आ. होने को बटर पदार्थ है, पर मेरा सेंस ये है कोई घर में बटर चार जगह तो रखा नहीं है. जो बटर घर में है उस पर्टिकुलर बटर को लेकर आ. ये जो नमकदानी टेबल पर है ये पर्टिकुलर मुझे पास कर. घर में कोई 10 बोतल जैक का तो रखता नहीं है. एक बोतल खरीदने खत्म हो जाता दूसरा ले आते, है ना. तो वो जैक लेकर आओ जो घर में उपलब्ध है पर्टिकुलर. इसलिए जब हम किसी को कहते हैं कि ये दे वो दे तो हम पर्टिकुलर का रेफरेंस दे रहे हैं. हम पदार्थ की बात नहीं कर रहे हैं. हमने उस पदार्थ को भी पर्टिकुलर कर दिया कि वो पदार्थ कोई या तो इस टेबल पे रखा है या फ्रिज में पड़ा हुआ है या हमारे घर में उपलब्ध है पर्टिकुलर. वहां हमने इसीलिए रिक्वेस्ट निर्देश इन वाले सेंटेंसेस में हम अक्सर कुछ ऐसा मांगते हैं. हम सब होटल में खाना खा रहे हैं, 8 लोग बैठे हैं, पर टेबल पे एक नमकदानी रखी है. हाँ, तो अब अपन कह रहे हैं कि वो पर्टिकुलर नमक. वैसे हम कहेंगे सॉल्ट बीपी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं होता. अब सॉल्ट पदार्थ हो गया. सॉल्ट एक पदार्थ के रूप में हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं होता. सॉल्ट इज नॉट गुड फॉर बीपी पेशेंट्स, सॉल्ट. But John, please pass the salt जो टेबल पे रखा है. Is it clear? पदार्थ में भी ये डिफरेंस है और वो जो कंपैरिजन था उसमें भी डिफरेंस था. ऑफ स्ट्रक्चर में आपने द लगाया था और जनरल कंपैरिजन में आपने अ लगाया. ये छोटे छोटे रूल्स में टेबल बना लो कर जाकर. ये मैं क्लास में करा चुकी हूँ शुरू में.
बट फिर भी आप एक बार देख लो, अब ये एक बार इसको देखो, अस्पताल में कोई भर्ती हुआ है, भर्ती होना वहां हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, वहां हम है ना, हर ब्रदर इज इन हॉस्पिटल क्योंकि वो भर्ती है वहां, हर ब्रदर इज इन हॉस्पिटल भर्ती है, परंतु हम तो मिलने जा रहे हैं। So I went to the hospital. वहां कोई नौकरी कर रहा है, he works at the hospital. केवल भर्ती होने के सेंस में आर्टिकल नहीं आएगा, भर्ती होना, हमको मुझे बूस्टर डोज लगाने के लिए अस्पताल जाना है, बूस्टर डोज लगा भर्ती थोड़ी होगी, मैं लगा क्या होगी, यहां हम द हॉस्पिटल लगाएंगे। ये छोटे रूल्स याद रखो, ये छोटे छोटे रूल्स रजिस्टर में इन चीजों को लिखो ताकि अभी तो लग रहा है समझ में आ रहा है तो बाद में भूल जाओगे। भर्ती होने के सेंस में हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे और इसके ऊपर लंबा चौड़ा एक्सरसाइज है, ये हॉस्पिटल प्रिजन चर्च स्कूल इन सबका एक्सरसाइज है हमारे पास, तुम्हारे ग्रुप में डाला हुआ है और तुम उस दूसरे वाले ग्रुप में जो तेज सिंह वाला ग्रुप है ना उसमें डाल रखा है, क्या नहीं डाला है, जिसको भी मिल जाए भावना को मिल जाए तो भावना को भी इसमें एडमिट बना दो, तो कई चीजें इसके पास सिस्टमेटिकली डाल देगी जो तुम्हारे पास है तुम डाल दो, हॉस्पिटल चर्च वगैरह वाला लिखा हुआ है ना, तो वो तुम या तो ये सेक्रेटरी वाले ग्रुप में डाल दो, बेटर है कि तुम इसको स्टडी ग्रुप में भी डाल दो, पुट इट ऑन ऑल द ग्रुप्स। उसी तरह से देखो जेल, मुजरिम के रूप में कोई जेल में है तो इन प्रिजन नो आर्टिकल, मुजरिम के रूप में कोई जेल में है तो इन प्रिजन, उसका चाचा उससे मिलने जाता है तो चाचा वेंट टू द प्रिजन, अंडरस्टूड, जेल में वार्डन है जेलर है कोई सा भी है वो लोग दिया वर्किंग एट द प्रिजन, द प्रिजन क्लियर, केवल मुजरिम है वो एक प्रिजन है नो आर्टिकल। उसी तरह से ईसाई लोग हर संडे चर्च जाते हैं प्रवचन सुनने वगैरह, तो दे गो टू चर्च, नो द, दे गो टू चर्च, वहां दवा नहीं आएगा। पर मेरे चाचा को फोटोग्राफी का बड़ा शौक है और हमारा जो चर्च है ना उसकी बिल्डिंग बड़ी सुंदर है, जो भी है उसमें आर्किटेक्चर उसका बड़ा सुंदर है, तो मेरे चाचा चर्च गए सेवा पूजा के लिए नहीं, जिस काम के लिए चर्च यूज होता है वो नहीं, अन्य काम के लिए फोटोग्राफ वगैरह लेने, तो वो द चर्च गए, है ना, वो जो वहां नौकरी करते हैं बिशप पादरी वगैरह द चर्च, पर जो लोग जाते हैं प्रवचन के लिए वो नो आर्टिकल। स्कूल कॉलेज के संबंध में यदि व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है तो नो आर्टिकल, हर अंकल इज इन हॉस्पिटल पेशेंट के रूप में, हर अंकल वर्क्स एज अ डॉक्टर एट द हॉस्पिटल, नौकरी कर रहा है एम्प्लॉय, ठीक है, व्हेन एन वाज इल We all went to the hospital to visit her. The hospital. हम मिलने गए। केवल भर्ती के रूप में नो आर्टिकल। If you उसी तरह से आप जेल। If you commit a serious crime, अगर आप संगीत जुर्म कर लो,
could be sent to prison, no article, mujrim ke roop mein. His uncle works at the local prison. At the local prison. Naukri kar rahe hain. Samaj seva, jail gaye, wo mujrimon se mil gaye. The social workers went to the prison to visit the prisoners. Viral church ke liye. John's mother goes to church every Sunday. Goes ke liye, prarthana vagera ke liye. Har Sunday jaati hai. To jis purpose se church hai, उस पर्पस वहां पर आर्टिकल नहीं लगाया. जॉब डजंट गो टू चर्च. जॉन वैसे तो चर्च नहीं जाता क्योंकि वो ज्यादा वो प्रवचन पूजा पाठी टाइप नहीं है, ऐसे वो चर्च नहीं जाता. ही डजंट गो टू चर्च. पर इस संडे को फोटोग्राफ लेने चर्च गया. बट दिस संडे ही वेंट टू the church to take some photographs of the building. Agar ye sentence hota, usually John doesn't go to dash church on Sundays, but this Sunday he went to dash church. Kya aega? तुम लोग सेंटेंस लिखोगे कंफ्यूज हो तो यूजुअली जॉन डजंट गो टू डैश चर्च. जॉन डजंट गो टू डैश चर्च ऑन संडेज. But this Sunday, he went to Dash Church. अब क्या है एक तो अगला यही वाला सेंटेंस. जॉन डजंट गो टू डैश चर्च. दोनों को लिखो फिर फर्क समझो. जॉन डजंट गो टू डैश चर्च. जॉन डजंट गो टू डैश चर्च. बट दिस संडे He went to Dash Church to take some photographs of the building. ये दोनों सेंटेंसेस को अच्छे से देख के देखो कि तुम्हें फर्क समझ में आ रहा है.
क्या डिफरेंस है? पहले वाले में चर्च का जो मूल पर्पस होता है, चर्च का जो मूल पर्पस होता है, चर्च प्रे करने के लिए होता है ना, प्रेयर के लिए, उस उद्देश्य से जॉन संडे को कभी भी चर्च नहीं जाता, तो वहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। परंतु इस संडे को वो चर्च गया उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस से चर्च यूज होता है, तो वहां पर भी आर्टिकल नहीं आएगा। पर दूसरे सेंटेंस में जॉन संडे को चर्च तो खैर जाता ही नहीं है उस पर्पस से जिस पर्पस से चर्च होता है, तो आर्टिकल तो नहीं आएगा। पर हाँ, इस संडे को वो चर्च गया किसी अन्य पर्पस से, पहले वाले सेंटेंस में दोनों जगह ब्लैंक ब्लैंक चर्च से पहले, दूसरे सेंटेंस में पहले भाग में ब्लैंक और दूसरी जगह छोटा शहर है,
परंतु जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी हियर इज द बिगेस्ट इन द कंट्री। पुणे को छोटा सा शहर है, पर जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी यहाँ पर है वो देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी। द इफ यू वॉन्ट टू गेट अ डिग्री, तुम्हें बीए बीए की डिग्री चाहिए, बीए बीएससी, यू नॉर्मली हैव टू स्टडी एट कॉलेज या यूनिवर्सिटी। यहाँ पढ़ाई के सेंस में है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। उसी तरह से बेड, भाई सोने चले गए, सोने चले गए, बेड का मूल वापस सोना है ना। शी इज इन बेड, नॉट द बेड, इन बेड, मतलब वो सोने जा चुकी। शी हैज गॉन टू बेड, सोने जा चुकी। वो पलंग पर बैठकर टीवी देख रही थी। अब टीवी देखना पलंग का मूल उद्देश्य नहीं, यहाँ द बेड आएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हम वहां बैठकर लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, बेड पे बैठते हैं, द बेड। अभी भी सोई पड़ी है, उठी नहीं है, सुबह के 9 बज रहे हैं, शी स्टिल इन बेड। वो बेड में लेटी रही, नींद नहीं आई, सोने चली गई है ना, सोने चली गई है, लेट गई है, नींद नहीं आई, इन बेड, नो आर्टिकल। ये लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि व्यक्ति सोने चला गया पर नींद ही नहीं आ रही, तो यहां पर हम क्या माने? सोया तो नहीं है पर सोने ही तो गया है, नींद नहीं आ रही, तो उसमें वो क्या करे? शी ले इन बेड, व्यक्ति सोने चला गया पर नींद नहीं आ रही, पर नींद नहीं आ रही, लेटा ही पड़ा है, लेटा ही पड़ा है, तो हम विदाउट आर्टिकल लगाएंगे, विदाउट आर्टिकल लगाएंगे। बहुत सारे 30 रूल्स हैं, काफी कुछ कवर हो जाएगा। चलो ये समझ में आया, तो हम कहते हैं वी गो टू बेड, यानी सोने जा रहे हैं, वी गो टू बेड यानी हम सोने जा रहे हैं, टू बेड। इट्स टाइम टू गो टू बेड नाउ, टू गो टू बेड नाउ, it's time to go to bed now. This morning I had breakfast in bed. मतलब देखो ये बहुत स्टार लगाओ सेंटेंस में, मतलब सुबह देखो मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और मेरी मम्मी 6 बजे चाय का कप रख जाती है पास में, उठते ही पीएगा। तो आई हैव टी इन बेड, भले चाय पीना बेड का उद्देश्य नहीं है पर उठते ही, अभी उठकर हम बाहर आए फिर हम मुंह फिर के वापिस आके हम वापस बेड पे बैठे ऑन द बेड हो जाता, उठने के साथ साथ ही चाय पी ली वहीं पे, इन बेड, ब्रेकफास्ट इन बेड, मतलब उतरे नहीं नीचे, उठे वो ब्रेकफास्ट का वो ट्रे रखा हुआ था खाया, ब्रेकफास्ट इन बेड। फर्क समझो इसमें, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, सोया और सो के सुबह उठे और कंटिन्यूएशन में वो काम बेड पे हो गया, वहां अपने आर्टिकल नहीं लगाया। This morning I had breakfast in bed. परंतु I sat down on the bed. घूम फिर के इधर उधर जाकर फिर वापस आकर बिस्तर पर बैठा, I sat down on the bed. यहाँ
बैंक का सोने से कोई लेना देना नहीं है, यू तो ब्रेकफास्ट का भी सोने से कोई लेना देना नहीं है, पर इन बेड का मतलब he went to bed, सोने गया और उसी कंटिन्यूएशन में बेड में कोई काम किया, वो आपका बिना आर्टिकल के आ रहा है। क्लियर हो रहा है ना? तो आई सैट डाउन ऑन द बेड, यहां बेड का सोने से कोई लेना देना नहीं है, बेड केवल फर्नीचर के सेंस में यूज किया गया, जैसे कुर्सी पे बैठते मुट्ठे पे बैठते वैसे हम बेड पे बैठे, ऑन द बेड। उसी तरह से गो टू वर्क, अभी भी वो काम पे है, ही स्टिल एट वर्क, द वर्क नहीं, वर्क का मतलब धंधे पे है, काम पे है, बिजनेस में है, ऑफिस में है, रोजी रोटी वाले काम में है, नो आर्टिकल। उसको नई जॉब मिली है, वो सोमवार से काम शुरू करेगा, ही स्टार्ट्स वर्क नॉट द, बहुत बारीकी के रूल्स है ये, ही स्टार्ट्स वर्क ऑन मंडे। कल पिक्चर देखने चले, अरे नहीं मैं तो काम पे रहूंगी, आई विल बी एट वर्क, नो आर्टिकल, मतलब मेरे तो ऑफिस ऑफिस का टाइम है, मैं नहीं चल सकता। स्टार्ट वर्क, फिनिश वर्क, नॉट द वर्क। ही इज एट वर्क नाउ। तुम लोगों को मैंने वो लंबा थोड़ा 175 सेंटेंसेस का एक्सरसाइज दिया है, दिया ना जरॉक्स, एक एक्सरसाइज नहीं दिया था आर्टिकल्स का, अभी वो नहीं डाला, अच्छा कर लिया, 175 सेंटेंसेस का एक एक्सरसाइज है, उसमें ये वाले जो रूल्स कवर हो गया वो आप ट्राई कर सकते हैं ना इसके बिल्कुल। फिर he is at work now, वो तो काम पे गया हुआ है, he is at work, he has gone to work, उसे कल बुखार था इसलिए काम पे नहीं गया, he didn't go to work yesterday and didn't go to work yesterday, what time do you usually finish work? तो काम कितने बजे खत्म करते हो? What time do you usually finish work? कोई दवा नहीं आएगा। अब go home, come home, मैंने home से संबंधित 10 sentences दे रखे हैं, ये होम वाला आप अभी छोड़ दो, कल मैं शाम को 10 लिखा दूंगी। गो होम, मैं घर जा रही हूं, आई एम गोइंग होम, द होम वगैरह नहीं आएगा। मैंने बोर्ड में कराया था, वैसे सेंटेंसेस हैं आप लोगों के पास, बोर्ड पे कराया था ना शाम वाली क्लास में, तो मैंने एक्टिव पैसिव की टाइप से कराया था। देखो कल ले आओगी मैं, और नहीं तो तेज सिंह तो कल ले आओगे ना, कॉपी सेंटेंस कभी है क्या, है क्या भी? अगर है तो मैं अभी लिखा देती हूँ। तुम लोग होम के नाम पे 10 सेंटेंसेस लिख लो, आज जितने रूल्स कर रहे हैं बस इन्हीं रूल्स से रिलेटेड कल हम एक्सरसाइज क्लास में करेंगे। क्या हुआ लक्ष्मी? क्या कह रहे हो?
कल कर देंगे कोई नहीं। ओम वाला कल कर देंगे, ओम वाला उसी तरीके से प्रेपोजिशनल फ्रेज
ये भी पर्टिक्युलर है। उस लड़की को देखो जो नीले ड्रेस में है, तो पर्टिक्युलर लड़की की तरफ इशारा कर रहे हो, क्या है तुम लोग को? लड़की सुनते ही तो ये सब करके फिर सौरभ को चिढ़ाते हो। आज इशारा आया भी नहीं है, लो प्रपोजिशनल फ्रेजेस, प्रपोजिशनल phrases, prepositional phrases भी the लेती है। Can you see the girl in the pink dress? क्या आपको वो particular लड़की दिख रही है जो गुलाबी ड्रेस में है? द लिक्विड इन द बॉटल माइट स्पिल, स्पिल यानी गिर जाना, जो तरल पदार्थ है बोतल में वो गिर सकता है। द लिक्विड इन द बॉटल माइट स्पिल। The man in the black coat is a lawyer. जो आदमी काले कोट में है वो वकील है। The house with the red roof is my uncle's house. जो particular मकान with prepositional phrase है, जिसका की लाल छत है, वो मेरे अंकल का घर है। दसवां रूल, जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री आए, आपको पता है ना, गुड बेटर बेस्ट टॉल टॉलर टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द लगाते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? ही इज द बेस्ट एक्टर इन फिल्म्स टुडे। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन क्लास। He is the cleverest boy in